हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुलदाउदी के कटिंग्स को जो हमने लगाया था उसका कैसा रिजल्ट रहा और उसे हम आज रिपोर्ट भी करेंगे। इसी प्लांट से हमने कटिंग्स ली थी और देखिए कटिंग्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इस वाले पॉट में सारे के सारे प्लांट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए। बाकी जो दो पॉट आपके साथ और मैंने शेयर किए थे उसमें कटिंग्स गल गए, उसमें ख़राब हो गए, इस पॉट में सारे ही कटिंग्स सक्सेसफुल हुई। तो चलिए आज हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग। अगर आप सब ने कटिंग के द्वारा प्लांट को तैयार किया है तो उसका सही समय है अगस्त, और इस टाइम पे आप उसे रिपोर्ट कर लें एक छोटे से पॉट में और इसे आप दोबारा रिपोर्ट करें नेक्स्ट टाइम। अगर आप नहीं करेंगे दोबारा रिपोर्ट तो आप एक ही पॉट में जिसमें आप उसे रखना चाहते हैं उसी में रख लें, उससे भी काम बन जाएगा। तो देखिए जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी अच्छी इसकी जड़ें तैयार हुई है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। जितना हेल्दी प्लांट बाहर से दिख रहा है उतना ही जड़ों से भी है। तो चलिए इन सभी को हम निकाल लेंगे वन बाई वन। तो प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले हमें सॉयल मीडिया की ज़रूरत है, जिसके लिए ये लिया है मैंने नॉर्मल गार्डन सॉयल जिसमें रेत पहले से ही ऐड है, यानी कि हमारी मिट्टी अच्छी बनी हुई है। उसमें हम ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट, अपने अनुसार ले लें, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट अभी ना डालें। उसके साथ उसमें कुछ दाने मैं डाल रही हूँ DAP के। DAP जो है ये प्लांट के जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा। इससे पहले जब मैंने कटिंग लगाया था तब मैंने नहीं दिया था DAP, अब इस DAP का हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में मैं मिलाऊंगी फंगीसाइड, मैंने साफ का लिया है, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की जड़ें जो है वो ख़राब ना हो और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए। अब इस मिट्टी को हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी ही वेल ड्रेन मिट्टी जो है वो तैयार हुई है, एकदम पोरस मिट्टी तैयार हुई है। अब हम इस प्लांट को निकाल लेंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं पॉट, इनमें मैंने होल्स पहले से ही बना लिए हैं क्योंकि हमारी कटिंग्स अभी फर्स्ट टाइम ग्रो होने जा रही है, तो उसके लिए ये छोटे छोटे से पॉट्स बहुत ही सही रहेंगे। ये PU फेको वाले ग्लास हैं और इसमें जब हम प्लांट को लगाएंगे तो हम यहाँ से देख भी पाएंगे कि क्या हमारा प्लांट अच्छे से डेवलप कर रहा है या नहीं, उसकी जड़ों की कितनी ग्रोथ हो पा रही है वो भी हमें बाहर से दिख जाएगा। तो चलिए इस पॉट में हम सबसे पहले मिट्टी को फिल कर लेते हैं। हम अभी हाफ फिल करेंगे और हाफ फिल करने के बाद पहले हम प्लांट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने हाफ हाफ इसमें मिट्टी जो है वो फिल कर लिया है। इसी तरह से सभी पॉट्स में फिल कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैंने सभी पॉट में इस पोरस मिट्टी को फिल कर लिया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे काम पे जहाँ पर हम प्लांट को निकालेंगे। तो इस तरह से हम प्लांट को यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए ये सेकेंड प्लांट है जो आप देख रहे हैं और उसकी जड़ें भी आप देख रहे हो कितने अच्छे से डेवलप हुई है। और चलिए अब देखिए तीसरा प्लांट निकालते हुए, ये टूट गया मेरा। तो अब इसको निकालने के लिए जो सही तरीका रहेगा वो इस तरह से मैं खींच कर नहीं निकालूंगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से जमा हुआ है। तो मैंने पहले मिट्टी को, इस रेत को भुरभुरा कर लिया किसी टूल्स की मदद से और उसके बाद मैंने निकाला। तो इस तरह से सारे प्लांट को मैंने निकाल लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेत है उसे मैंने हटा दिया है और मिट्टी में इस तरह से मैंने लगा दिया है। ऑलरेडी मैंने मिट्टी में फंगीसाइड यूज़ किया हुआ है तो हमारे प्लांट को ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ और इस तरह से सभी प्लांट को हम तैयार कर लेंगे, जो भी हमारे ये कप्स, जो भी छोटे छोटे हमारे ये पॉट्स हैं इनके अंदर। तो देखिए सारे प्लांट मैंने लगा लिए हैं और अब कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इन प्लांट्स की हमें पिंचिंग करनी होगी तो वो पिंचिंग हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें अभी प्लांट को समय देना है कि वो अपनी जड़ों को मिट्टी के अंदर डेवलप कर पाए। दो चार दिन बाद हम इसकी पिंचिंग करेंगे या हफ्ते दिन में हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉट, हमारा प्लांट तैयार हो गया है। लगाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, जो आपने इस दो स्टेप के द्वारा देखा। इसे हम ठंडी जगह पर रख देंगे जहाँ पर छाया रहेगी कुछ हफ्ते दिन के लिए, उसके बाद हम इसे
सेमी शेड में लेकर आएंगे और फिर हम धूप में रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। अगर आपने भी ये कटिंग्स लगाई है तो अभी ये काम ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।